अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड माय व्यूअर। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते और करेले। तो फ्रेंड, ये 1.5 किलो मैंने करेले लिए, जिनको मैंने कटिंग करके नमक लगा के अच्छी तरह धोकर फ्राई कर लिए हैं और बारीक बारीक कटिंग की है, ब्राउन हल्के किए हैं। देख रहे हैं आपको लुक नज़र आ रही है। तो ये मैंने कोफ्ते लिए हैं, चिकन कोफ्ते। और फ्रेंड, इसके मैंने ये 4 प्याज लिए हैं बड़े बड़े, और लाल टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, धनिया और गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें हम एंड पे ऐड करेंगे। इसमें मैंने रेड मिर्ची ली है, नमक लिया है, हल्दी लिया है। तो नमक हमने कम क्वांटिटी में इसलिए लिया है कि हमने करेलों को लगाया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ऐड कर सकते हैं, उससे पहले हम ऐड ज़्यादा नहीं करेंगे नमक। तो फ्रेंड एंड व्यूअर, मेरे साथ रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ करेले और कोफ्ते। तो देखते रहें फ्रेंड। घी हमने ले लिया है, गरम कर रहे हैं, जिसमें मैंने फ्राई किए थे करेले वो ही घी मैंने ऐड किया है। तो सबसे पहले हम प्याज ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड, प्याज़ों को मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी, देखते रहें। प्याज़ों को अच्छी तरह फ्राई करके फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, लाल टमाटर ऐड करूँगी और नमक, हल्दी, रेड मिर्ची ऐड करूँगी। इस मसाले को अच्छी तरह सारे को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं कोफ्ते ऐड करूँगी। कोफ्तों को मैं 4 से 5 मिनट तक इस मसाले में फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं करेले ऐड करूँगी। तो फ्रेंड, आप लोग देखते रहें कि मैं कैसे बना रही कोफ्ते और करेले। तो फ्रेंड, आपको ज़रूर ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, आज की पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरी वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और जिस फ्रेंड ने, व्यूअर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप फ्रेंड और व्यूअर तक पहुँच सके। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। और फ्रेंड, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इतने ही रखेंगे। तो इसी में मैं फ्रेंड टमाटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं रेड मिर्ची, हल्दी और नमक ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड, इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। तो आप लोग देखते रहें कि मैं कैसे बनाऊँ। और फ्रेंड, प्याज भी हमारे फ्राई हो गई है, मसाला सारा, तो हम इतना ही फ्राई रखेंगे। प्याजों को ऐसे बनाएंगे। तो अभी मैं इसमें कोफ्ते ऐड करने लगी हूँ फ्रेंड एंड व्यूअर। कोफ्ते ऐड कर दिए, उनको अभी मैं 5 से 6 मिनट तक इसी मसाले में फ्राई करूँगी। फिर बाद में करेले ऐड करूँगी। ज़रूर पसंद आएगी मेरी आज की ये रेसिपी। और फ्रेंड, मैं इसी में इनको फ्राई करूँगी 5 मिनट तक। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे हमारे कोफ्ते, तो फिर इसमें मैं करेले ऐड करूँगी। तो देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ कोफ्ते और करेले। और फ्रेंड, हमारे देखिए कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें मैं करेले ऐड करूँगी। फ्रेंड, ये मैं अभी करेले ऐड कर रही हूँ। करेले और कोफ्ते देखें फ्रेंड, लुक कितनी अच्छी आ रही है। आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की मेरी ये रेसिपी। पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड, 2-3 मिनट तक मैं करेलों को इसके साथ फ्राई करूँगी और इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी। तो फ्रेंड, अभी मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ।
साथ ही मैं धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड इनको मैं 3-4 मिनट अभी गल के रखूँगा और फिर आप लुक देखिएगा इसकी कितनी अच्छी आती है। और फ्रेंड देखें हमारे करेले और कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, तो अभी हम बॉल में ऐड कर रहे हैं, तो लुक देखिएगा। और फ्रेंड चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ तो देखें हमारे कोफ्ते और करेलों की लुक कितनी अच्छी आ रही है। अभी हम साथ पराठे भी बनाएंगे और साथ ही रोटियाँ भी बनाएंगे। और फ्रेंड आपको ज़रूर मेरी रेसिपी आज के लिए पसंद आएगी, कोफ्ते और करेलों की। और फ्रेंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी। और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें फ्रेंड टीवी पर। तो फ्रेंड देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है, आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की करेले और कोफ्ते की। तो फ्रेंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। तो करेले और कोफ्ते मैंने बनाए हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगे और बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है। ब्रीक ब्रीक हमने करेले कटिंग किए हैं, आप देख रहे हैं और कितनी अच्छी लुक आ रही है फ्रेंड एंड व्यूअर। तो कमेंट लास्ट में कीजिएगा माय फ्रेंड एंड व्यूअर। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी आप सबसे।